क्या टाइम आ गया भाई चिंटू बिल्डर का 1 करोड़ का नुकसान हो गया बताओ यार कैसे डॉक्टर साहब देखो उसने ऐड दी हुई है अखबार में कि एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए मैं ले नहीं रहा तो हो गया ना उसका 1 करोड़ का नुकसान तुम ले रहे हो मैंने नहीं लेना 2 करोड़ का नुकसान हो गया देखो यार खड़े खड़े अच्छा डॉक्टर साहब नुकसान ऐसे हो रहा है फिर तो मैं तो कहता हूँ 30-40 बार ना करवाओ मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए नहीं इतना नुकसान किसी का क्यों कराना है यार है ना शरीफ आदमी है बेटे मैंने देखा है कि आज कल ना जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया देखो ये देखो न्यूज कच्चाधारी गैंग है ना उसने 25 लाख रुपए का डाका डाला है अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पैसे है ना मैं किसी अच्छी जगह रखा दूँ उसको रखा दो ये यहाँ पे अपना पिगी बैंक कब खुल गया यार आज ही खुला जी और मैं उसमें मैनेजर लग गया हूँ ओहो वाह 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 भाई हमारे बैंक में डॉक्टर मशहूर गुलाटी आए हैं कैसे हैं आप अरे तुम ये पोस्टमैन बन के क्यों घूम रहे हो भाई यहाँ पे पोस्टमैन नहीं मैं चपड़ासी हूँ बैंक का छाती छपाड़ी करके जो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी शो में सिद्धू जी लग गए हो डॉक्टर साहब पहली बार हमारे बैंक में आए हाँ। क्या कौन सा खाता खोलूं आपका बचत खाता खोलूं या सेविंग खाता खोलूं चालू खाता मैं खोलूं? तो यहाँ पे छाता ना खोलूं तुम खाता खोलने की बात कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आपको पता है दूसरे बैंक 5 साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं हम 5 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं 5 घंटे में हाँ जी तो फिर तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ जमा करा दूंगा फटाफट करा दीजिए फटाफट ये लो मेरा 150 रुपया पैसे जमा करवाने के लिए आए कि रिचार्ज करवाने के लिए आए देखो मैं पहले चेक कर लूंगा क्या अगर मेरा पैसा तुमने डबल कर दिया तो मेरे पास जितना भी सारा 1500 रुपया मैं सारा जमा करा दूंगा एक बार बोला डॉक्टर जब आपके यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाने आता है तो पहले आपके से जुकाम का ऑपरेशन करवाता क्या हो नहीं हमारे यहाँ कोई जुकाम का आता है तो हम उसका हार्ट का कर देते हैं वी आर डिफरेंट बट जो भी कहो मुझे कहीं कहीं तुम लोगों पे यकीन भी है इसलिए ये लो 1350 रुपये 150 आ गया टोटल हो गए 1500 मेरा 1500 जमा करा दो अच्छी बात है 1500 रुपये आपका जमा हाँ हो गया चलिए फटाफट निकलिए नहीं निकले नहीं मैं वो जो अपना स्लिप है वो तो किस चीज की स्लिप 1500 रुपये जमा करा रहा हूँ यार जब दुनिया में आए थे स्लिप लेके आए थे नंगे आए थे ना चलो भागो विश्वास नहीं हमारे पे कोट पैंट पहन कर कौन आता है नंगे आते हैं ना कोट पैंट पहन के कौन आता है सिद्धू जी नहीं ऐसे सवालों का जवाब हो देंगे मुझे नहीं पता चलो आपके पैसे हो गए जमा फटाफट निकलिए चलिए और भी लोग आने वाले चलो 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 ठीक है बच्चे कोई बात नहीं मैं शाम को आता हूँ है 4 बजे मेरे पैसे रेडी रखो रेडी 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 ओके ओके नमस्कार जी नमस्कार मैनेजर मैम मुझसे बात कीजिए या या जी मेरे 3000 रुपये मैंने कहा है बात कीजिए आप भीख मांगने लग पड़े हैं देखो अगर तो तुम ये मजाक कर रहे हो ना तो मेरे को हंसी बिल्कुल नहीं आ रही मेरे पैसे निकालो अच्छा स्लिप दिखाइए स्लिप तो आपने दी नहीं थी ना वो कह रहे थे भी विश्वास वगैरह है तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है क्या बकवास कर रहे हैं ऐसे तो कोई भी आकर कहेगा मैंने हमने इतने पैसे जमा करवाए हैं इतने पैसे हमें दे दीजिए ऐसे में तो ये भी कहेंगी मैंने अभी भी 1 लाख रुपए जमा कराया मेरा 1 लाख रुपए दीजिए ओ मैडम मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पैसे मिल जाएंगे आप टेंशन मत लीजिए भाई एग्जांपल वगैरह मत दीजिए मेरे पैसे दीजिए वरना मैं जान ले लूंगा नहीं क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाना आपको मेरे पैसे देने हैं दीजिए हाँ आप मेरी जान ले लेंगे तो मैं इनके पैसे कैसे दूंगा अगर इनकी जान ली ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी बता रही हूं मैं बता रही हूं बस ये कौन लड़ रहा कुत्तों की तरह क्या हो रहा है भाई साहब नमस्कार जी वो आया था मैंने पैसे जमा कराए थे आपने कहा था डबल करके दे दूंगा मैं वही हूँ आ गया भी है मैं आ गया मेरी बंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है मैं थोड़ी देर में आता हूँ मैंने मीटिंग में आकर बोर्ड मारना एक सेकंड भाई साहब आप चिंता रख रहे हैं हाँ। आपने अगर पैसे जमा कराए आपके पैसे जरूर मिलेंगे आपको अपने नोट के नंबर याद है नोट के नंबर कौन याद करता है भाई हैं गाड़ी का नंबर याद रखते हो ना अरे लेकिन नोटों के बीच में गाड़ी कहाँ से आ गई आप ना अपना जूड़ा संभालें आप मेरे काम में दखल ना दें आप गाड़ी कैसे आती है नोटों से आती कि नहीं आती तो नोट
गाड़ी का नंबर याद रखना, नोट का नंबर नहीं याद रखना। आप लोगों की वजह से रुपया तरक्की नहीं कर रहा। यू रेसिस्ट। मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे दे दो। क्यों यार बकवास बंद करो। मेरे पैसे दे दो। थोड़ा कहाँ गया मेरा? नहीं मैं जान दे। 12 नंबर काउंटर पे जाइए, अपने पैसे वहां से ले लीजिए। ओके। हेलो, 12 नंबर काउंटर पे कोई नहीं है भाई। आपको नौकरी चाहिए? मुझे क्यों नौकरी चाहिए होगी? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं आपको नौकरी ऑफर कर रहा हूँ, आपको नौकरी नहीं चाहिए? अरे लेकिन मैं तो टीचर हूँ। टीचर हूँ टीचर, तुमसे बच्चे पढ़ पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तुम टीचर की टीचर ही रहना। तुम्हें खोया मिल रहा है, दूध का भाव पूछ रही हो। चलो 12 नंबर कोड। अच्छा ठीक है जा रही हूँ। पेन मारूंगा जूड़े पे। अरे यार तो जबरदस्ती की नौकरी मिल गई मुझे। कांग्रेचुलेशन, आपकी नौकरी लग गई। मेरे पैसे दे दीजिए। अरे ये पैसे मांग रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मेरे को मत लाओ। अरे मेरे पास पैसे नहीं। और पैसे भी पैसे तो कैशियर देता है ना। कैशियर तो मान लो ना, आप कैशियर हो। अरे ऐसे कैसे मान लो मैं? स्कूल में तुम बोलती नहीं बच्चों को कि मान लो राम ने शाम को पैसे दिए, और अगर अपनी बारी आई तो मुकर्री ऐसे कैसे दे रहे हो? ज्यादा बकवास किया तो उल्टे हाथ का दूंगी मैं। यार पैसों के अलावा तुम सब कुछ दे रहे हो। अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर मैंने गाली दे देनी है। इधर आइए फटाफट, इधर आइए। आपको अपने पैसे चाहिए ना? हाँ। ये फॉर्म पे साइन कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं मिले। फॉर्म पे साइन कीजिए। मैं अपने पेन से करूंगा। अपने पेन से कर दो यार। ए मैंने साइन कर दिया। मुबारक हो भाई, आपके 1500 जमा थे। हाँ जी। उसके हो गए 3000। हाँ जी। ठीक है। हाँ। और जब 1500 आपने जमा करवाया था, हाँ जी, उसमें से 1250 चले गए गरीब बच्चों की डोनेशन के लिए। बच्चे 250 रुपए, 250 का हमने 500 कर दिया, और दोनों 250 अलग अलग रखे हैं देखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हेलो, एक तो तुम मुझे ये 500 रुपए दे रहे हो, ऊपर से इसके ऊपर जेनिफर लोपेज की फोटो लगी हुई है। ओहो, लगता है आपके पास डॉलर आ गया है। डॉलर आ गया आपके पास? नहीं यार, उसके ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ है। 500 डॉलर आ गया होगा यार, इसमें क्या है? इतनी सुंदर हीरोइन की फोटो लगी है, तुम 500 रुपए देख रहे हो? लालची कहीं गए? दबा जाओ यहाँ से, पकड़ो इसको। ये चाहिए ना, मैं ये भी रख लिया बैंक में। चलो हमारा हम 2 मिनट देते पैसे, अगर कस्टमर नहीं लेता तो कैंसिल हो जाता है। मैं समझ गया, मैं तुमको देख लूंगा। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगा। कितना बुलडॉग जैसा मुंह बनाया तुमने, कितना गंदे लग रहे हो तुम। छी, तुम्हारा अकाउंट बंद, तुम्हारा कॉपी फाड़ देनी मैंने। चल। डॉक्टर! ओहो, हर कोई बुला रहा है। पागल आलू। What a busy day. Oh, yes. डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? आती है। आपने मेरी नानी को आपने मेरी नानी के सर पे पीपल निकाल दिया। हाँ तो जिसके दिमाग में गोबर और पीपल ही निकलेगा ना। और आपके दिमाग में तो गोबर भी नहीं है, तभी सूखी घास उग रही है। ये आग बड़ी जल्दी पकड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो आई नो। माचिस लेकर कर दूंगा किस दिन में। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लोग आके मेरी नानी को पानी देके जा रहे हैं। देखो तुझे दिख नहीं रहा है डॉक्टर, कबूतर ने क्या हाल कर रखा है मेरा। ओ शिट। तो वही तो कह रहे हैं, ओ शिट। देखिए ये देखो। देखिए आप है ना पुष्पा जी, आप हमेशा आउटपुट के बारे में सोचती है, इनपुट के बाद ध्यान नहीं रहता आपको। इसमें क्या इनपुट है? देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कल को मधुमक्खी को पता लगेगा, छत्ता बनाएंगी, एंड यू कैन हैव शहद एंड ऑल डायरेक्टली। फिर इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, कभी आम कभी चीकू, तोड़ो खाओ फ्रेश एकदम, यू कैन हैव अ गुड टाइम। ए बुढ़ाओ। यस। तेरी माँ ने फ्रूट का बाजार नहीं खोल रखा है ऊपर, पीपल का पेड़ है ये, कौन सा फल लगता है इसमें? पीपल के पेड़ पे फल नहीं लगते। मैं कौन सा किसान हूँ जो मुझे पता है, मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या पता फल फूल के बारे में। बट आई मस्ट से कपू, ये मैंने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है ताजमहल के बाद। तो काम करते हैं हम भी ना शाहजहां की तरह, इसके हाथ काट देते हैं ताकि 9वां अजूबा ना बनाए। हाथ काट
this is not right. But जब तक मेरे पैर चलेंगे तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा ये मैंने डिसाइड किया हुआ है काट तो मेरे नानी पकड़ इसके पैर ही काटते हैं आज इसके पैर ही काटते हैं इसके पैर काटते हैं नानी लटा नानी नानी लटा जरा नानी चढ़ इसके ऊपर जरा नहीं तुझे कसम लगे पता नहीं किसकी तेरे आज पैर काटते मैंने मैंने तुम्हें जिंदगी दी तुम मेरी जान ले रही हो जिंदगी तुम उसकी माँ हो तुमने क्या जिंदगी दी उसको वैक्यूम क्लीनर की औलाद अपनी बेटी को खींच लिया होता तो कम से कम 4 फीट की तो होती हो नानी तू अंदर जाके ना पीपल को पानी दे मैं इसकी डॉक्टरी छुड़वाता हूँ जरा हाँ जी तो आप बताओ मेरे को ये क्या किया तुमने कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा डॉक्टर कुछ नहीं हो सकता मेरा नाम तो नींबू पानी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है यस मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो उससे लगाया है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है एवरीवन रियली या हेलो यस प्लीज एक बार मलिंगा रणबीर कपूर बन सकता है लेकिन तुम्हारी बेटी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती तू नाइस जोक बिकॉज दिस इज द कपिल शर्मा शो तुम जोक मार सकते हो बट मेरी बेटी क्या तुम्हारी बेटी खूबसूरत हो गई है And, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा सरला 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 बेटा क्या बात है आ बेटे आओ ये आपकी बेटी है नहीं ये तो गौहर खान है हाय सच्ची पापा सचमुच गौहर खान की तरह लग रही हूँ बेटे मैंने तुम्हें क्या कहा था इसके मुंह से कहलवाऊंगा क्यों कहलवा दिया ने? क्यों क्यों भाई आप क्या बोलते हो लग रही है ना एकदम गौहर खान कप्पू हाउ आर यू क्या तुम्हें अभी भी मैं टिंडे जैसी लगती हूँ अरे वो तो मैं मजाक करता था तुझे पता है टिंडा मेरी फेवरेट सब्जी है अच्छा हाँ मैं टिंडा खत्म नहीं मैं खाना खाता हूँ तो मैं टिंडा बचा बचा खत्म तरी में चुबो चुबो के डुबो डुबो के टिंडा मैं आई लव टिंडा वो तो मैं मजाक करता रहता था भाई मेरे को क्या पता तुम तो अंगूर लग रही हो आज हाँ और तुम लंगूर लग रहे हो आज दूर रहो मेरी बेटी से यू गो दूर डॉक्टर साहब यस आपको शर्म नहीं आती हमारा तो बचपन का प्यार है आप क्या अभी दूर क्यों कर रहे हैं आप तुम्हें याद है सरला जब मैं छुप जाता था छुपन छुपी खेलते थे और तुम मुझे ढूंढा करती थी कहाँ ढूंढा करती थी तुम आते थे अपने घर पे और बैठ जाया करते थे और बस मैं तो ढूंढते ही रहती थी ना बेटे ऐसे लड़के कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है बिल्कुल काम का नहीं निकम्मा लड़का है ये दूर रहो दूर रहो डॉक्टर साहब हाँ जी प्यार नौकरी नहीं देखता छोकरी देखता है सरला देखो लुच्चे की फिलॉसफी भी लुच्चो जैसी है एकदम बेटा इसकी तरह देखना नहीं है मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में कराऊंगा अरे आप तो गुस्सा ही कर गए सासू ससुर जी क्या कर रहे हो आप गुस्सा नहीं करे जा रहा और मैं ससुर कहाँ से हो गया भाई हैं ससुर होगा तुम्हारी बीवी का बाप बेटे जी? मैं तुम्हारे लिए लड़का ऑक्सफोर्ड चलाऊंगा फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एकदम बिल्कुल डॉक्टर साहब यस प्लीज नौवीं फेल की रिपोर्ट कार्ड जैसा मुंह आपका आप कह रहे दामाद मेरा ऑक्सफोर्ड से आएगा आपको शर्म नहीं आती सरला तुम मेरी आंखों में देखो तुम्हें अपने लिए सच्चा प्यार नजर आएगा सरला अच्छा हाँ अभी आंखों में देखो पहले तो मुझसे आंख भी नहीं मिलाया करते थे और हाँ क्या कहते थे मुझ में से फटे हुए दूध की स्मेल आती है और बेटे देखो मैंने इंजेक्शन लगा के फटे हुए दूध को रसमलाई बना दिया क्या भाई क्या देखो सरला मुझे मिठाई पे तो कभी डाउट था ही नहीं मुझे तो हलवाई पे डाउट था कि आदमी काम खराब करेगा यस वाकई यार हैं जी वाकई समझ में नहीं आता कैसे ये चमत्कार हो गया कल तक जो अमरूद था आज वो अनार हो गया अरे अरे तेरी किस्मत खुल गई अबे ओ कपिल शर्मा मेहनत करी इस डॉक्टर ने और तेरा सपना साकार हो गया नो नो सिद्धू जी आई डिसएग्री Why? Because जब मेरी बेटी थोड़ी सी टुच्ची दिखती थी तब ये उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा था और अब टची टची हो रहा है ऐसे ऐसे करके बात छोड़ ना अभी मैं आपकी बेटी के साथ हनीमून पे जाने को तैयार हूँ ये कौन सी बदतमीजी की बात है ऐसे थोड़ी बोलते हैं कप्पू
ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार। वो तो कहते हैं शादी करने को तैयार हूँ, दिमाग में तो हनीमून ही चल रहा होता कि नहीं। मैं ना तुझे हनीमून की बात कर रहे ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ तुझे सब्जी मंडी ना भेजूं। हाँ। हनीमून जाऊंगा मैं, बेटे चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें गौर खान बनाया ना। हाँ। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम्हें दीपिका पादुकोण बना दूंगा। कम ऑन।